सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। और आज मैं बात करूंगा अपनी हेयर ट्रीटमेंट को लेके, क्योंकि आज लगभग 7 महीना हो गया मेरा ट्रीटमेंट को। सो शुरू से लेके अंत तक बताएंगे, शुरू में मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था और 7 महीना हो गया, 7 महीने का जर्नी कैसा रहा, कैसा ट्रीटमेंट रहा मेरा, कितना सफल रहा। सो इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा आज। सो चलो शुरू करते हैं वीडियो को और स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर बत्रा के बारे में मुझे पहले से ही थोड़ा बहुत पता था, और बाद में मुझे इसके बारे में डीपली पता चला जब मेरा एक फ्रेंड ने बताया कि मैं सोच रहा हूँ मेरा भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है हेयर फॉल का। तो मैंने काफ़ी इसके बारे में स्टडी किया, रिसर्च किया, तो मुझे पता लगा कि डॉक्टर बत्रा काफ़ी अच्छा, इनका रेशियो है काफ़ी अच्छा, मतलब कि ट्रीटमेंट देते हैं ये, और इनका होम्योपैथिक दवा जो है काफ़ी अच्छा काम करता है हेयर फॉल में। सो मुझे पता चला वहाँ से, और पहले से थोड़ा बहुत पता था। और इसके अलावा मैं और भी काफ़ी चीज़ें मतलब कि ट्राई किया था मैंने अपने बालों के लिए, बट कुछ भी काम नहीं कर रहा था, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। तो मुझे लगा कि एक बार ट्राई करना चाहिए, बात करनी चाहिए, देखनी चाहिए कैसा है जो भी है। तो सबसे पहले मैंने डॉक्टर बत्रा का अपॉइंटमेंट लिया, और अपॉइंटमेंट लेने के बाद मैंने कंसल्टेंट से मिला। कंसल्टेंट ने मुझे 30 से 40 मिनट तक लगभग मुझे बताया कि मेरे बालों के लिए क्या अच्छा है, क्यों गिर रहा है, क्या रीज़न है, क्या वजह है, बहुत सारी कॉज बताया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है आपके बालों के लिए, और इतना दिन ट्रीटमेंट लगेगा आपको, ये सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी, ये चीज़ें लेनी पड़ेगी, सब कुछ बताया A to Z। उसके बाद उन्होंने बोला कि अब मैंने आपको बता दिया है सब कुछ, अगर आपको क्लियरिटी मिल गई है तो आप खुद डिसाइड करो कि आपको ट्रीटमेंट यहाँ से लेना है या नहीं लेना है, ये आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया है। मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं करूँगी कि आपको ट्रीटमेंट लेना ही चाहिए डॉक्टर से, डॉक्टर बत्रा से। तो मैंने काफ़ी इसके बारे में सोचा, कंसल्टेंट से मिलने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे ट्रीटमेंट लेना चाहिए, और फिर मैंने वहाँ से अपना जर्नी स्टार्ट किया, ट्रीटमेंट लेना शुरू किया। फिर मैंने डॉक्टर से मिला, और डॉक्टर से मिलने के बाद उन्होंने बताया, और बताने के बाद सब कुछ फिर मेरा मेडिसिन वहाँ से उन्होंने चालू किया। सो स्टार्टिंग में मुझे हर 10 दिन पे थेरेपी के लिए जाना पड़ता था, जो कि हेयर थेरेपी, और जो लेजर थेरेपी होता है हेयर थेरेपी, इसमें कैप जैसा लगा देते हैं। और थेरेपी के बाद हर महीने मुझे डॉक्टर से मिलना होता था, फॉलोअप लेना होता था कि अभी 1 महीने में कितना सुधार हुआ, क्या हुआ, कैसा हुआ। डॉक्टर चेक करती थी अपने जो उनके मशीन होते थे उसके द्वारा, और फिर बताती थी कि सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो शुरू में मैंने दवा खाना शुरू किया, दवा मेडिसिन लेता था, उसके बाद एक पाउडर आता है जो कि दही में डाल के वो लगाने के लिए मिलता था, तो वो भी मैं अप्लाई करता था एवरी वीक, और दवा खाता था कंटिन्यू सुबह में शाम में जैसा डॉक्टर बताती थी। यहाँ से मैंने शुरू किया, उसके बाद हर महीने जाता हूँ डॉक्टर से मिलता हूँ। उस टाइम हर महीने अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, मतलब खुद से नहीं लेना पड़ता है। शुरू में एक बार मैंने अपॉइंटमेंट लिया था, उसके बाद से ऑटोमेटिक जो एवरी मंथ मुझे मैसेज आ जाता है कि आपका इस डेट में इतने टाइम का आपका अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के पास। सो एवरी मंथ वो ऑटोमेटिक मैसेज आ जाता है। अभी हर महीने जाके मिलता हूँ डॉक्टर से और दवा देती है, बताता हूँ ऐसा हो रहा है, इतना कंट्रोल है या फिर कंट्रोल नहीं है। सो अभी कैसा है कि अभी भी मैं जाता हूँ एवरी मंथ मिलने के लिए, और अभी फिर मैं वापस जाने वाला हूँ कुछ दिनों के बाद। सो दोस्तों, शुरू में मैं जब स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, तो मुझे बिल्कुल भी फायदा नहीं दिखा, बिल्कुल भी नहीं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं फालतू का पैसा वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए, आगे मुझे ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए था। सो दोस्तों, मैंने डिसाइड किया कि 1 साल का कोर्स है, अगर 1 साल के पहले मैं बीच में क्विट करता हूँ तो डॉक्टर बोलेगी आपने बीच में छोड़ दिया, और मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं बार बार सोचता रहूँगा कि मैं बीच में ही छोड़ दिया तो मैं रिजल्ट का कैसे उम्मीद कर सकता हूँ। सो मैंने सोचा कि नहीं, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, भले ही गिर रहा है गिरने दो, आगे देखते हैं क्या होता है, 1 साल तक कोर्स जो है उसको पूरा करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि मुझे सक्सेस मिलता है या नहीं मिलता है, रिजल्ट कैसा रहता है, सो उसके बाद डिसाइड करेंगे। सो दोस्तों, मैं ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखा और अभी तक ले रहा हूँ ट्रीटमेंट, और शुरू में पिछले 4 से 5 महीनों तक मुझे कोई रिजल्ट नहीं देखा, जीरो रिजल्ट था 4 से 5 महीने तक, और बीच में मुझे एक बार डेंगू भी हो गया था, तो उसकी वजह से और ज़्यादा गिरने लगा था, और ज़्यादा मैं पैनिक में हो गया था कि इतना ज़्यादा कैसे गिर रहा है। डॉक्टर से मिला, फिर बताया कि मुझे डेंगू हो गया था और ज़्यादा बाल जो है मेरे गिर रहे हैं, तो अभी क्या करना चाहिए। डॉक्टर ने बोला आप टेंशन मत लो, घबराओ नहीं, बिल्कुल ये होता है डेंगू में, थोड़ा बहुत गिरता है, बट वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, दवा मैं चेंज करके दे रही हूँ,
तो धीरे धीरे कम हो जाएगा। और आप ऐसे ही न्यूट्रिशन लेते रहो। उन्होंने न्यूट्रिशन के बारे में मुझे सजेस्ट किया कि न्यूट्रिशन भी लो, तो मैं डॉक्टर बत्रा का ही न्यूट्रिशन लिया और डॉक्टर बत्रा का ही प्रोडक्ट यूज करता हूँ अभी भी। सीरम, शैम्पू, कंडीशनर जो भी है सब डॉक्टर बत्रा का। तो 21,000 रुपये मुझे लगे 1 साल का कोर्स का, सिर्फ मेडिसिन का। जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट का अलग से देना पड़ता है अभी भी, तो वो मैं ऑनलाइन मंगा लेता हूँ जो कि सस्ते में मिलता है ऑनलाइन। दवा के लिए मुझे पैसे नहीं देने पड़ते हैं और एवरी मंथ मैं डॉक्टर से मिलता हूँ, उसके लिए मुझे कोई फीस नहीं लगती है। बट एक ही बार मुझे बता दिया गया था कि 1 साल का कोर्स है आपको करना है, 21,000 रुपये लगेंगे और आप इंस्टॉलमेंट में दो, EMI पे दो या कैश दो, एक बार में दो, ये आपके ऊपर है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक बार नहीं दूंगा, मैं एवरी मंथ दूंगा। तो मेरा एवरी मंथ कट जाता है अकाउंट से 1700 कुछ रुपए और 1 साल का है। तो इस तरह का मेरा जर्नी चल रहा है और 7 महीने हो गया। अब पिछले 2 से 2.5 महीने से मेरा बाल जो है काफी कंट्रोल में है, मतलब कि अभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरा जो पैसा है वेस्ट गया है। तो अभी मैं कंटिन्यू 1 साल तक ये मेडिसिन चलाऊंगा, 1 साल तक कोर्स पूरा करूंगा। मुझे अब ऐसा लगता है कि मुझे वाकई में रिजल्ट मिलना शुरू हो चुका है, क्योंकि पहले मैं शैम्पू लगाता था, तेल लगाता था, रात को सीरम लगाऊंगा, अगर मैं ऐसे हाथ भी लगाऊंगा तो मेरे बाल आते थे। शैम्पू, सीरम, तेल कुछ भी लगाऊं इतने सारे बाल आते थे, नहाने के टाइम इतने ज्यादा बाल गिरते थे कि मैं देख के स्ट्रेस में आ जाता था। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी कैसा है कि मैं बिंदास शैम्पू, सीरम, तेल कुछ भी लगाता हूँ, नहाता हूँ, ऐसे हाथ करूंगा, कुछ भी करूंगा, मुझे बाल का अब कोई टेंशन नहीं रहता है कि हम बाल गिर रहे हैं। हाँ 100% तो नहीं हुआ है, बट अभी भी 90% मेरा कंट्रोल हो गया है, 90% बाल रुक गया है। और सबसे बड़ी जो मेजर इशू था मेरा बाल गिरने का वो था डैंड्रफ। डैंड्रफ काफी ज्यादा हो गए थे और डैंड्रफ खत्म ही नहीं हो रहा था। डैंड्रफ की स्थिति ऐसी थी कि डॉक्टर जब मेरे को माइक्रोस्कोपिक के थ्रू जब वो चेक करके एक मशीन लगाई यहाँ पे लगाती है और वो फिर स्क्रीन पे दिखता है, तो मैं देखा कि तो मैं देख के शॉक हो गया कि इतने सारे डैंड्रफ अंदर एक लेयर जैसा बैठ गया था। तो उन्होंने दिखाया कि देखो आपके स्क्रीन पे ये आपका डैंड्रफ का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर ने बोला सबसे पहला जो फोकस है हमारा वो आपका डैंड्रफ ठीक करना है। तो डैंड्रफ का समस्या अभी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, मतलब ऑलमोस्ट। अगर मैं पहले 3-4 महीना पहले मैं 2 से 3 दिन अगर मैं शैम्पू नहीं करूं तो डैंड्रफ इतने ज्यादा हो जाते थे कि मतलब कि बहुत ज्यादा एक्सेस। पर अभी अगर मैं 2-4 दिन के 5 दिन भी अगर मैं शैम्पू नहीं करूंगा तो मुझे डैंड्रफ का कोई समस्या नहीं है। तो इसके लिए मुझे अब रिजल्ट दिखना शुरू हो गया है और काफी ज्यादा रिजल्ट अच्छा मिल रहा है। सो मैं काफी खुश हूँ और मैं इस बात से ज्यादा खुश हूँ कि मैंने बीच में क्विट नहीं किया। अगर बीच में क्विट कर देता तो मुझे ना रिजल्ट मिलता और ना ही मुझे कोई सफलता मिलती कि हाँ डॉक्टर बत्रा का मैंने ट्रीटमेंट तो लिया बट बीच में छोड़ दिया तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि हाँ डॉक्टर कैसे हैं, कैसे इनका मेडिसिन है, इनके बारे में इतना सुना है। बट बीच में मैंने क्विट नहीं किया और अभी तक चल रहा है। सो काफी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। आगे का जर्नी कैसा रहेगा मैं आपको सब बताऊंगा। बट फिलहाल मैं अभी डॉक्टर से मिलने जाऊंगा कुछ दिनों के बाद, क्योंकि वापस मेरा फॉलो अप है और अपॉइंटमेंट जैसे ही मैसेज आएगा मैं डॉक्टर से मिलने जाऊंगा, थेरेपी भी लेने जाऊंगा और मेडिसिन भी लेने जाऊंगा। ये था जर्नी। और अभी भी मैं डॉक्टर बत्रा का ही शैम्पू यूज करता हूँ, सीरम यूज करता हूँ और कंडीशनर भी यूज करता हूँ, बट अभी पिछले 1-2 महीने से यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि खत्म हो गया तो मैंने मंगाया नहीं है। सो दोस्तों, डॉक्टर जो है एक चीज बोलती है कि आप न्यूट्रिशन मत छोड़ना, न्यूट्रिशन हमेशा लो और न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। और ये सबको पता है कि न्यूट्रिशन तो बहुत जरूरी है क्योंकि बालों के लिए आपके न्यूट्रिशन की कमी की वजह से बहुत ज्यादा बाल गिरते हैं, क्योंकि हम लोग प्रॉपर बहुत चीजों को फॉलो नहीं करते हैं, इग्नोर कर देते हैं और जो चीज खाना चाहिए वो चीज खा नहीं पाते हैं। सो ये भी बहुत सारे रीजन है। सो दोस्तों, कई लोगों का मैसेज आया था मेरे पास कि आपका हेयर ट्रीटमेंट जो चल रहा है वो कैसा है, कैसा रिजल्ट है, मतलब कि ठीक है या नहीं है। मैं सोच रहा हूँ करने के लिए बट कर नहीं पा रहा हूँ, आप बताओ ठीक है कि नहीं, मेरा ठीक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो मैं उन लोगों के लिए बता दूँ कि ये ठीक होगा कि नहीं होगा ये मैं तो नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि सबकी बॉडी, सबकी हेयर, सबकी जो स्काल्प होता है वो अलग अलग होता है सबका। बट मैं ये आपको सजेशन दे सकता हूँ कि आप एक बार जाके मिल लो कंसल्टेंट से, अपॉइंटमेंट ले सकते हो। अपॉइंटमेंट के लिए ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं, आई थिंक 100-150 या 200, इससे ज्यादा नहीं लगेगा क्योंकि मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट कि मैंने कितना दिया था। आई थिंक 199 या 149 ऐसा था, 149 रुपये, शायद 149 ही मैंने दिया था और 150 रुपये मेरे अपॉइंटमेंट बुक हो गए थे और मैं जाके कंसल्टेंट से मिला था। तो मैं आपको ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप कोई
वो करना नहीं करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप पहले क्लियरिटी ले लो जाके, अगर करना चाहते हो तो। सो कंसल्टेंट से जब आप मिलोगे तो आपको आधे घंटे प्रॉपर समझाएगी कि आपके बालों में क्या प्रॉब्लम है, और चेक करेगी। माइक्रोस्कोपिक एक मशीन डिवाइस आता है जो कि यहाँ पे लगाने के बाद लोग चेक करते हैं, और वो स्क्रीन पे दिखता है। स्क्रीन पे दिख जाएगा आपको कि बालों के अंदर क्या प्रॉब्लम है, वो आपको भी दिखेगा, आपको भी वो दिखाएंगी। तो आपको क्लियरिटी मिल जाएगी किस वजह से गिरा है, क्या रीजन। तो आप जाके अपॉइंटमेंट ले सकते हो, कंसल्टेंट से मिल सकते हो, वो आपको सब कुछ ए टू जेड बताएंगी। आपको जब लगे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आए अंदर से कि हाँ मुझे लेना चाहिए तो ही लो, अदरवाइज जो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि हाँ आपको मेडिसिन यहीं से लेना चाहिए या करना ही चाहिए, ये बोलेंगे जरूर कि आपको मैंने बता दिया सब कुछ, अब आप डिसाइड करो, आपके ऊपर है आपको ट्रीटमेंट लेना है या नहीं लेना है। सो ये ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, उन्होंने बताया था कि हाँ आप, मैंने आपको बता दिया है, और उसके बाद फिर मैंने कंसल्टेंट से मिलने के बाद ही मैंने डिसाइड किया कि मुझे स्टार्ट करना चाहिए। तो फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, और अभी सब कुछ ठीक है, मैं बिल्कुल खुश हूँ अपने बालों के जो रिजल्ट है उसके वजह से। सो इनके जो ब्रांच है काफ़ी ऑल ओवर इंडिया में है, और आउट ऑफ इंडिया भी है, बहुत सारे ब्रांच आउट ऑफ इंडिया भी है, और इंडिया में तो हर, आई थिंक हर मेट्रो सिटी या स्मॉल सिटी हर जगह मिल जाएगा। आप डिसाइड कर सकते हो, मैं आपको इतना ही बोल सकता हूँ। और मैं अभी तक जो मेरा ट्रीटमेंट है वो काफ़ी अच्छा है, और मैं इस वजह से मैं अपने लिए बोल सकता हूँ कि मेरा रिजल्ट अच्छा है। सो गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ मैं आपको, जब आप मिलने जाओगे कंसल्टेंट से अपॉइंटमेंट के बाद, तो सब कुछ बताने के बाद आपसे पूछेगी कि आपका जेनेटिक तो नहीं है, जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है, आपके घर में किसी का ऐसा बाल हेयर फॉल पहले से तो नहीं गिरा हुआ, आपके पेरेंट्स का, आपके फादर का किसी का ऐसा तो नहीं है। अगर जेनेटिक होगा तो बोल देगी कि हाँ जेनेटिक है, आपका बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखेगा, बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं दिखेगा, या फिर ना के बराबर है, आपका रिजल्ट दिखे ही ना। तो मैं आपको बता दूँ, अगर वो नहीं भी पूछेगी तो आप जरूर पूछ लेना, अगर आपका जेनेटिक होगा तो आप पूछना कि मेरा जेनेटिक है, कुछ रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मैं जेनेटिक है मेरा, अगर मैं ट्रीटमेंट लेता हूँ तो क्या मेरा ग्रोथ होगा या फिर वहीं पर रुक जाएगा या आगे बढ़ेगा, क्या इसके बारे में बताओ। तो मुझे लगता है जेनेटिक रहता है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये रहती है कि सफलता ना मिले इसमें, मेरा जहाँ तक मानना है ऐसा। क्योंकि जब मैं गया था मिलने के लिए तो उन्होंने बताया कि आपका जेनेटिक तो नहीं है, मैं बोला नहीं मेरा कोई जेनेटिक नहीं है, मेरे फादर का किसी का भी बाल अभी तक नहीं गिरा, हेयर फॉल नहीं हुआ, बट मेरा ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने बोला फिर आपका ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि जिसका जेनेटिक रहता है उसका थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ग्रोथ होने का, सक्सेस मिलने का जो चांसेस है बिल्कुल ही ना के बराबर है। तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, अगर आपका जेनेटिक है तो आप जाके मिल सकते हो कंसल्टेंट से, बट मुझे नहीं लगता कि वो रिजल्ट जैसा मिलना चाहिए रिजल्ट वैसा मिलेगा। बट फिर भी अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, 150-200 रुपये लगेंगे अपॉइंटमेंट के, कंसल्टेंट से मिल सकते हो। सो दोस्तों, ये रहा 7 महीने का जर्नी, और मैंने आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया है ए टू जेड। सो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है आपको इसके बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में जाके जरूर पूछ सकते हैं। सो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।